पिच रिपोर्ट। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मैदान, इस वेन्यू पे कल के दिन ये मैच हुआ था, दूसरा T20I जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड का मैच था, जिसमें आयरलैंड चेस करने आती है। 167 का टारगेट था, आई मीन 166 का, 5 विकेट गवा के, और इन्होंने टारगेट चेस कर दिया। क्या नाम है आयरलैंड की टीम ने, जो अवे टीम थी ना कि होम टीम थी। फिर देखें, इससे पहले 147 बनाया था ये आयरलैंड ने, जिम्बाब्वे चेस करने आती है, सिकंदर राजा नाम सुनोगा उस बंदे का, वो बहुत अच्छी पारी खेलता है, 2-3 विकेट निकाली उस मैच में और 60 रन की पारी खेली थी। बट आपको वो पिछले मैच में भी नहीं दिखे थे सिकंदर राजा, दूसरे T20 में, और तीसरे मैच में भी नहीं दिखेंगे। कारण क्या है, उनकी तू मैम हो गई थी भाई साहब जॉस लिटिल से, इस वजह से उन पर 2-3 मैचेस का बैन लग गया। बट मेरा ये कहना था कर्टिस कैम्फर पे भी बैन लगना चाहिए था और लिटिल पे भी एक मैच का बैन लगना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी गलती करी थी। 173 8 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती 111 पे सिमट जाती है, 140 का टारगेट दिया, टीम 128 पे सिमट गई। तो आमतौर पर देखा गया है, ये तो डे गेम है, ये मैच वहाँ पर 1 बजे स्टार्ट होगा जिम्बाब्वे हरारे के अंदर, अपने भारत के अंदर 4:30 बजेंगे, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, पिच और अच्छी रहेगी। धूप के अंदर आपको हल्का सा स्पिन देखने को मिलेगा, और जो पिछला मैच में जो ट्रैक था ना उस पे पानी डाल के उसको रोल किया गया था, पिच बहुत अच्छी और हार्ड हो गई थी, इस वजह से एक अच्छा स्कोर बना। जिम्बाब्वे इस वेन्यू पे 37 मैचेस खेली है, 9 मैचेस जीती है और करीबन ज़्यादा मैचेस यहाँ पे हारी है, बहुत ख़राब रिकॉर्ड उनका। अब देखें आयरलैंड की बात करते हैं, 5 में से 2 मैच जीता है, 3 मैच हारी, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 मैच जीते गए, चेस करते हुए भी 3 मैच जीते गए, प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनता है, जिम्बाब्वे का होम ग्राउंड है, और इस वेन्यू पे जो लास्ट मैच था कल खेला गया था उसमें 8 विकेट पेसर का था और 2 विकेट स्पिनर्स के थे, एक बैनेट का था और पहली पारी के अंदर गर्थ डियाली ने निकाला था लेग स्पिनर ने। ओवरऑल लास्ट 6 गेम्स में पेसर्स के नाम 165 विकेट्स हैं, पहली पारी में 26, दूसरी पारी के अंदर 39 है, राइट आर्म पेसर 47, लेफ्ट आर्म पेसर्स का कुल मिला के 18 विकेट है। अब बात करते हैं स्पिनर्स की, 25 विकेट हैं पहली पारी के अंदर, 12 मैं साइड होता हूँ चेस्ट देखिएगा, दूसरी पारी के अंदर 13, तो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिला है स्पिनर्स को, ऑफ स्पिनर्स का 11, लेग स्पिनर्स का 10, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 4 विकेट है। और लास्ट गेम में तो स्पिनर्स ने ज़्यादा बॉलिंग करी नहीं थी, इनके पास थियोनवन वॉकरेम थे आयरलैंड के पास और डिलानी, दोनों ने मिलकर 3 ओवर डाला था। ये देखो पिच, ये पिछले मैच की फोटो है पिच की, जूम करके देखेंगे तो आपको पिच पे एक चमक नजर आएगी, और लास्ट गेम में थी चमक, ये देखो आप कहाँ गई वाली, ये फोटो दिख रही है आपको नीचे, ऐसे पिच दिखी थी, सामने की बाउंड्री 80 स्क्वायर 65 मीटर की होती है, ये देखें, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा पिच, इस पे हल्की सी शीन थी, चमक थी और रन बने लास्ट गेम में, और ये सेम पिच थी जहाँ पर पहला और दूसरा T20I खेला गया था। बस आपको ये याद रखना है, जो ये एक बिल्डिंग सी बनी हुई है ना उसके राइट साइड वाले पोर्शन पे पिच एकदम सामने आती है, इससे मैंने पिछले मैच में ऑब्जर्व किया था कि यूज्ड पिच है, फ्रेश पिच है, ये स्टेडियम का व्यू ऐसा व्यू आता है, ये स्पेशल पिच रोड फ्रॉम हरारे, कैसे लगी कमेंट करके बताना।